मैं आप सबके साथ पांच स्टेप्स फॉलो करूंगी. आई कैन बेट गर्ल्स कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज इसमें मैं कवर करने वाली हूँ डाइट और साथ ही साथ वर्कआउट. मैं मुक्ति एंड आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दैट हाउ आई लॉस्ट माई हिप्स एंड थाइस फैट, बिकॉज काफ़ी लड़के मुझसे मैसेज करके पूछ चुकी है कि आप प्लीज़ हिप्स और थाइस फैट को कम करने के लिए वीडियो बनाएं. वैसे मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ थाइस एंड हिप्स फैट कम करने के लिए, बट यू नो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि यूट्यूब वीडियोज़ पर सिर्फ ये बताते हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है हिप्स या थाइस फैट कम करने के लिए, और दूसरी जगह पर हम ये भी सुनते हैं दैट स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, कि अगर मुझे अपना थाइस फैट कम करना है, स्टमक फैट कम करना है, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करने से वो जो मेरा बॉडी पार्ट है वो कम नहीं होता है. तो आज जो मैं आप सबके साथ स्टेप्स शेयर कर रही हूँ, पांच स्टेप्स मैं शेयर करूँगी जो मैंने पर्सनली किया है और जिससे कि मेरी बॉडी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है. एंड शायद काफ़ी लोग नहीं जानते हैं दैट आई हैव लॉस्ट 15 kgs एंड मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बहुत ही ख़तरनाक रही है. मैंने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ एक्सपेरिमेंट की है स्टमक फैट कम करने के लिए, अपना फेस फैट कम करने के लिए, इतना बड़ा मुँह था मेरा, एंड हिप्स फैट कम करने के लिए, थाइस फैट, बिकॉज जो मेरा पर्सनली जो प्रॉब्लमेटिक एरिया रहा है दैट इज़ द लोअर बॉडी पार्ट. मेरे थाइस बहुत ज़्यादा हैवी थे और हिप्स मेरे बहुत ज़्यादा हैवी थे. एंड गाइज यू नो माई हाइट इज़ आई एम नॉट सो टॉल, तो ज़्यादा लंबी नहीं हूँ, तो जिसकी वजह से अगर आपके लोअर बॉडी पार्ट हैवी है तो उसकी वजह से आप और भी ज़्यादा छोटे लगते हैं. तो मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया मेरा हिप्स और मेरे थाइस थे. एंड सबसे मुश्किल रहा है मेरे लिए हिप्स और थाइस फैट को कम करना. इनफैक्ट आई थिंक सबसे जो लास्ट में मेरी जो चीज़ कम हुई है वो है हिप्स एंड थाइस फैट. एंड आज जो मैं आप सबके साथ पांच स्टेप्स फॉलो करूँगी, आई कैन बेट गर्ल्स कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज इसमें मैं कवर करने वाली हूँ डाइट और साथ ही साथ वर्कआउट. गाइज द बेस्ट न्यूज़ इज़ दैट कि नाउ आई एम सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर. तो अगर आपको कोई भी डाइट प्लान्स लेने हैं, वर्कआउट लेना है, वर्कआउट प्लान्स लेने हैं, देन आप मुझे मेल कर सकते हैं. तो मेल आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से क्लिक करके आप मेरे को मेल लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है. बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे फटाफट क्लिक कर दीजिए अगर आप इस टाइप की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं. गाइस बेस्ट न्यूज इज दैट कि आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं www.muktigautamfitness.com पे. एंड गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें, फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलें अगर आप देखते रहना चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे मैं क्या क्या एक्सरसाइजेस करती हूँ, किन फूड्स को खाने के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं. तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करके देख सकते हैं. एंड गाइस आप मेरा चैनल देखना मत भूलें जिसका नाम है फूडी वी, एंड दैट चैनल इज ऑल अबाउट चैलेंजेस. आई होप कि आपको वो बहुत पसंद आए. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, अब हम शुरू करने वाले हैं ऐसे पांच स्टेप्स अगर आप अपना थाइस एंड हिप्स फैट कम करना चाहते हैं. जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे परेशान कर रही थी वो ये कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती थी, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती थी, और बात रही डाइट की, दिन मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट नहीं ली है. मुझे शुरू से ही घर का खाना बहुत पसंद है, सिंपल दाल रोटी सब्जी यही सब चीज़ें मैंने खाई, बट फिर भी मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा था. मुझे समझ में नहीं आता कि एक जगह पर मैं हेल्दी डाइट भी ले रही हूँ, दूसरी जगह पर मैं वर्कआउट और एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, तो तब भी मेरा हिप्स और थाइस फैट कम नहीं हो रहा है. बिकॉज आई गेस मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल जिस चीज़ को कम करना रहा है दैट इज़ माई हिप्स एंड माई थाइस फैट. एंड गर्ल्स आई कैन टोटली रिलेट माई सेल्फ विद यू, अगर आपके हिप्स और थाइस फैट कम नहीं हो रहे हैं देन आई कैन लिटरली फील यू आउट देयर. सबसे पहले जो चीज़ जो आपको करनी है, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज. तो आपकी दो एक्सरसाइजेज ही आपको करनी है, बेस्ट पार्ट इस पांच स्टेप्स के बारे में है, आपको सिर्फ दो एक्सरसाइज ही करनी है. तो दो एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको करना है जंप स्क्वाट्स, और दूसरी एक्सरसाइज करनी है आपको फ्रंट किक्स. तो जंप स्क्वाट्स आपको लगाने हैं 20 के तीन सेट, और दूसरी एक्सरसाइज जो है आपके पास फ्रंट किक. तो फ्रंट किक में आपको राइट लेग के पहले 10 किक मारने हैं, देन फिर लेफ्ट लेग से 10 किक मारने हैं. तो आपको इसके भी लगाने हैं 10 10 20 के तीन सेट आपको इसके लगाने हैं. एंड तो जंप स्क्वाट में आपको क्या करना है कि आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइन करके आगे को रखना है सो दैट आपका बैलेंस बना रहे. तो आपको जंप करके स्क्वाट करना है. बेस्ट चीज़ जंप स्क्वाट के बारे में यह है कि कहीं ना कहीं आपका हार्ट रेट इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, तो इट विल वर्क एज अ कार्डियो, और कहीं ना कहीं आपके क्वाड्रिसेप्स के लिए, आपके थाइस के लिए बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है, और आपके हिप्स के लिए बहुत बढ़िया वर्कआउट है. दूसरी है हमारे पास फ्रंट किक. तो आपको
सामने मूव करके साइडवेज खड़े होना है, तो आपके जो लेग पीछे है तो आपको उससे किक करना है और उसके बाद उसी पोजीशन पे वापस लेके आना है। तो आपको पीछे वाली लेग से किक करना है, तो आपको पीछे वाली लेग से मारने हैं 10 किक्स। उसके बाद आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है, पहले आपकी लेफ़्ट लेग आगे थी, अब आपको अपनी राइट लेग को आगे रखना है, लेफ्ट लेग को पीछे रखना है और पीछे वाली लेग से अगेन आपको 10 किक करने हैं। तो ये आपका हुआ एक सेट, लेफ्ट लेग एंड राइट लेग को मिला के एक सेट। उसके बाद आपको 30 सेकेंड्स का बीच में ब्रेक लेना है एक सेट के बाद, उसके बाद आपको लगाना है इसका दो सेट। सो स्टेप नंबर 2 है हमारे पास कार्डियो। एंड गर्ल्स आई कैन बेट, क्योंकि मुझे कार्डियो से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, स्पेशली अगर आपको थाइज और हिप्स फैट कम करना है, तो मैंने कार्डियो बहुत किया और बट फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मेरी डाइट अच्छी नहीं थी। तो आपको मैं ये भी बताने वाली हूँ कि आपको डाइट में क्या लेना है। तो आपको करना है कम से कम 40 मिनट कार्डियो। तो आप 40 मिनट सिंपल वॉक भी कर सकते हैं, 40 मिनट जॉगिंग कर सकते हैं, आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं। तो जो भी जिन चीज़ से आपका कार्डियो हो, तो आपको 40 से 45 मिनट 40-45 मिनट्स करना है कार्डियो। थर्ड चीज़ हमारी आ जाती है डाइट गाइस। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डाइट का बहुत ही बड़ा रोल है अगर आप कोई भी बॉडी पार्ट कम करना चाहते हैं, बिकॉज जब भी हमें कोई बॉडी पार्ट कम करना हो तो हम सिर्फ उसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, दैट्स इट, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे। आपको ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको किन चीज़ों को अपनी डाइट में लेना है और किन चीज़ों को अपनी डाइट में नहीं लेना है। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कैलोरीज का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कैलोरी सरप्लस जाएंगे तो आपका थाइस फैट किसी भी केस में कम नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं आपको कैलोरी डेफिसिट रहना होगा अगर आप अपना थाइस फैट कम करना चाहते हैं। तो आपको किन चीज़ों को खाना है, सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ। तो आपको अपनी डाइट में जितनी भी हेल्दी चीज़ों के बारे में आप सुना है, आप जानते हैं, जैसे कि आप अपनी डाइट में एलिमेंट्स ले सकते हैं, आप अपनी डाइट में एप्पल, बनाना, काफ़ी लड़कियाँ सोचती हैं कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि बनाना हमारा वेट गेन करने करता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ओवरऑल हेल्दी डाइट ले रहे हैं और अपनी डाइट में बनानों को इंक्लूड करते हैं, देन इट इज़ ग्रेट सोर्स ऑफ गुड कार्ब्स एंड इट्स ग्रेट सोर्स ऑफ पोटेशियम। तो आप अपनी डाइट में बनाना इंक्लूड कर सकते हैं। बेस्ट चीज़ बनाने के बारे में ये है कि आप फुल फील करते हैं पूरा दिन, तो आपको भूख भी कम लगती है। आप अपनी डाइट में ब्रोकली, कैरेट, खीरा, चिया सीड्स बहुत ही बढ़िया चीज़ है अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए, और एग्स अगर आप अपना थाइस फैट कम करना चाहते हैं, देन एग को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। स्पिनच, पालक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है अपनी डाइट में इंक्लूड करना। तो आप जितनी भी हेल्दी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना। और जिन चीज़ों को आपको अपनी डाइट में अवॉइड करना है, दैट इज़ वाइट ब्रेड। तो गर्ल्स अगर आप स्टमक फैट कम करना चाहते हो, साथ साथ अपना थाइस और हिप्स फैट कम करना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको अपनी डाइट में अवॉइड करना है, दैट इज़ वाइट ब्रेड। मैदा तो अपनी डाइट में आप बिल्कुल भी मत ले। और बात रही पास्ताज, बेकरीज, तो इनफैक्ट कुछ लोग यू नो स्नैक लाइट और ये सब चीज़ अपनी डाइट में लेते हैं, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, बिकॉज हम हेल्दी के नाम पर इन चीज़ों को खाते हैं बट ये चीज़ हेल्दी नहीं है। और उसके बाद आइसक्रीम्स आप कम खाएँ, चिप्स आप कम खाएँ, तली हुई चीज़ें आप कम खाएँ, जितनी भी चीज़ें पैकेट वाली जितने भी चीज़ें हैं, चिप्स हो गए या कोई भी चीज़ होगी, उसको आप कम से कम लें, बिकॉज इसमें ट्रांस फैट और उस फैट को बॉडी में से निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। स्टेप नंबर 3 है वाटर। पानी का बहुत बड़ा रोल है वेट लॉस में, तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आप पानी को अपनी डाइट में रखेंगे, उतना ही जल्दी आपका वेट लॉस होगा। एंड बात रही, तो आपको 2-3 लीटर तक अपनी डाइट में पानी को इंक्लूड करना है, और अगर गर्मियां हैं देन आप 3-4 लीटर तक अपनी डाइट में पानी को इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइमिंग जो पानी को अपनी डाइट में इंक्लूड करने की है, दैट इज़ सुबह उठते ही कम से कम 1 लीटर पानी ज़रूर पिए। उसके बाद जो आपका 2 लीटर पानी बच जाता है, उसको आप पूरा दिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके पी सकते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट टाइमिंग्स पानी पीने की तब हैं, खाना खाने से पहले आधा घंटे पहले या 15 मिनट पहले आप 1-2 ग्लास पानी पिए, बहुत ही अच्छा वाना है। कहीं ना कहीं आपकी डाइट कम हो जाती है, आपका कम खाने का मन करता है, आपका पहली पेट भर जाता है। 5th स्टेप है डिटॉक्स ड्रिंक। मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि आप ये काढ़ा पियो और आप एकदम से 10 किलो अपना वज़न कम कर लो या कुछ है। अगर आप कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो इससे आपका वेट लूज नहीं होता है, बल्कि ये चीज़ें आपकी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती हैं। तो अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये जितने भी डिटॉक्स ड्रिंक है, ये मैजिक की तरह आपकी बॉडी पे काम करेगी। बट अगर आप ये सोचते हैं कि आप पूरा दिन गंदमंद खाएं, समोसे पकौड़े खाएं और लास्ट में आप ये डिटॉक्स ड्रिंक पी लें, तो ये
ड्रिंक भी आपका साथ नहीं दे सकती हैं. तो अगर आप चाहते हैं डिटॉक्स ड्रिंक आपके ऊपर असल में काम करे, देन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ओवरऑल डाइट अच्छी रखनी होगी, तो ये डिटॉक्स ड्रिंक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके ऊपर काम करेगी. तो आप कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक ले सकते हैं. मैंने चिया सीड्स और ग्रीन टी के डिटॉक्स ड्रिंक बनाई थी, आप वो ट्राई कर सकते हैं. मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो वहाँ से क्लिक करके आप वो वाले डिटॉक्स ड्रिंक देख सकते हैं. बट अदरवाइज आप नॉर्मल चीज़ें भी ले सकते हैं. आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप जिंजर टी ले सकते हैं अपनी डाइट में, आप ग्रीन कॉफ़ी अपनी डाइट में ले सकते हैं. जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपके पे बेस्ट काम करती है, या कोई हल्दी की डिटॉक्स ड्रिंक है, कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक आप अपने डाइट में ले सकते हैं. बट जैसे कि गर्मियाँ हैं, तो मैंने एक खीरे वाली डिटॉक्स ड्रिंक बनाई थी, तो वो भी आप दिन में ले सकते हैं. तो दिन में आप डिटॉक्स ड्रिंक, ग्रीन टी या कोई भी चीज़ दिन में दो बार ले सकते हैं. एंड आई कैन बेट कि इन 5 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हफ्ते में आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क नज़र आएगा. बट अगर आप इन्हीं 5 स्टेप्स को 21 दिन के लिए लगातार फॉलो करेंगे, देन आई कैन बेट कि आपको बहुत ही ज़्यादा फर्क नज़र आएगा. हफ्ते में एक दिन आप चीट मील भी ले रहे हैं, कोई जंक फूड भी हल्का सा इन्जॉय कर रहे हैं. दैट्स इट गर्ल्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़. एंड दैट्स इट गर्ल्स, एंड कीप लाइकिंग मी एंड माई वीडियोज़. बाय गर्ल्स.